हेलो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक इज इनकलाब जिंदाबाद सो अपनी कोर्स बुक एट पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टूडे गोइंग टू डू द बुक वर्क ऑफ दिस लेसन इनकलाब जिंदाबाद चैप्टर फाइव वन टू तो सबसे पहले क्या है बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट ई सेंटेंस हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये सेंटेंसेस इस बुक में से हैं जो लेसन हमने रीड किया है इसी में से हैं और साथ में कुछ ऑप्शंस दी गई हैं इन ऑप्शंस में ही सामने एक जो राइट ऑप्शन है उसको चूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है द ऑफ दस्ने वाला वॉक टू प्लेस ऑन थर्टीन अप्रैल नाइनटीन तो ये थर्टीन अप्रैल ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट uh, ऑप्शन है तो इस सेंटेंस को हम यहाँ पर थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटी यहाँ लिख के इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे अभी आगे देखो सरदार किशन सिंह वाज़ अ मेंबर ऑफ द सरदार किशन सिंह वाज़ अ मेंबर ऑफ द गदर पार्टी साइमन कमीशन नौजन भारत सभा तो हमने बुक में रीड किया है पहले जो सरदार किशन सिंह थे वो गदर पार्टी के एक मेंबर थे तो गदर पार्टी इसके लिए सूटेबल रहेगा तो इस तरह से बेटा देखो हमने इन ऑप्शन में से हमने एक राइट ऑप्शन चूज करके इन सेंटेंस को कम्प्लीट करना है अभी आगे का बुक वर्क आप कंप्लीट कर लो कंप्लीट दीज एक्सप्रेशन विद डू और मेक हमने डू और मेक में से चूज करके हमने जो हमारी एक्सप्रेशन है उनको कंप्लीट करना है डू होम डू अ जॉब तो देखो हमें पता हम होना चाहिए कि कौन सी एक्सप्रेशन के साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा ये डू मेक ठीक है मे का डिफरेंस मे का सुजेशन तो इस बुक कंप्लीट कर लो बेटा अब यहाँ भी देखो बेटा फिर इन ईच गैप विद द अप्रोपरेट फॉर्म ऑफ मेक और डू तो मेक और डू के साथ हमने इन सेंटेंसों को कंप्लीट करना है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट यूजिंग एडवर्ड टू तो हमने इन सेंटेंस को दोबारा uh, लिखना है लेकिन टू का यूज हमने इसमें नहीं करना ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स यह है, वह है, इतना कमज़ोर है कि इस बॉक्स को उठा नहीं सकता इस बॉक्स को उठाने के लिए वह बहुत कमजोर है बेटा दोनों सेंटेंस उसका मीनिंग एक ही है लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स तो हमने दूसरे दूसरे सेंटेंस में क्या किया है टू हमने इस एडवर्ब को हमने यहाँ से रिमूव करना है टू की जगह पर देखो बेटा सो so का यूज हो गया ही इज सो वीक इस टू की जगह दैट का यूज करेंगे उसके बाद जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस का ही उसके बाद कैन नॉट मीन्स सो दैट और कैन नॉट ये तीन वर्ड है हम इसमें यूज करते हैं और इसका मीनिंग सेम ही रहता है ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स इस बॉक्स को उठाने के लिए वह बहुत कमजोर है ही सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स वह इतना कमज़ोर है कि वह यह बॉक्स नहीं उठा सकता इज इट क्लियर अभी आगे देखो बेटा आगे वाले सेंटेंस भी इसी तरीके से बनाने हैं ही इज टू फुलिश टू अंडरस्टैंड इट टू की जगह सौ लगाएंगे फुलिश इस टू की जगह दैट लगा के उसके बाद सब्जेक्ट ही उसके बाद कैन नॉट ही इज टू फुलिश टू अंडरस्टैंड इट इसको समझने के लिए वह बहुत मूर्ख है वह इतना फुलिश है कि इसको समझ नहीं सकता ठीक है ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट ठीक है ना देखो बेटा आप ग्रामर यूज़ करते हो आप ऐसे लिखते हो लेटर लिखते हो कई बार क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखते हो कई बार देखो इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि ये काम करने के लिए वह बहुत कमज़ोर है या फुलिश है तो बेटा इस तरह के सेंटेंस को चाहे आप इस टू और टू से यूज बना लो चाहे इस तरह सो के साथ बना लो सो और दैट के साथ बना लो ठीक है दोनों का मीनिंग का, एक ही रहेगा लेकिन एग्जामिनर को इस बात का पता चलता है कि आपको इंग्लिश इंग्लिश की और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज है तो नेचुरली आपके मार्क्स बढ़ेंगे बूस्ट होंगे आपके दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक दिस कॉफ़ी इज टू यह इस टू की जगह पर हमने क्या लगाया है सो so, हॉट उसके बाद इट दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी दिस कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट इस टू को रिमूव करके हमने आई कैन नॉट ड्रिंक इट ये कॉफ़ी मेरे पीने के लिए बहुत हॉट है यह कॉफ़ी इतनी हॉट है कि मैं इसे पी नहीं सकता दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है अभी आगे वाला बुक कंप्लीट कर, कर लो बेटा अभी इसमें आगे देखो बेटा यहां पर हमने टू हटाना था रिमूव करना था और यहां पर हमने टू का यूज करना है आई हैव गॉट सो फैट दैट कैन नॉट वेयर दिस ड्रेस नाउ मैं इतना मोटा हो चुका हूँ कि मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकता तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा है आई हैव गॉट टू सो की जगह टू फैट टू वियर दिस ड्रेस नाउ मैं इस ड्रेस को पहनने के लिए भी बहुत मोटा हो चुका हूँ मीन इस सो की जगह पर टू लगा दिया और दैट आई कैन नॉट इसकी जगह पर बेटा हमने ये इस टू का यूज़ किया है और दोनों सेंटेंस में मीनिंग एक ही है द वेदर वास्ट टू हॉट दैट वी कुड इसको रिमूव करके टू गो आउट द वैदर वॉज टू हॉट टू गो आउट द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैनोट सॉल्व इट द प्रॉब्लम इज टू को रिमूव करके सॉरी सो को रिमूव करके टू द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट बहुत ईजी है ना ये ओके बेटा बाकी कंप्लीट कर लो Okay, madam. Um, have a nice day.